What's up people, welcome back to another video on my channel. This is going to be great today. अभी हो रहे हैं 7:50, थोड़ा सा लेट हूँ मैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट किया है. We'll go now to Shell और मैं रास्ते में आपको बताऊँगा कि क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में. एंड लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं ट्रिप सेट करने से. 00 बहुत दिनों के बाद आरसी पे व्लॉग होगा, आरसी पे राइड होगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. बहुत अचानक प्लान बना है आज, इसलिए कोई भी तैयारी नहीं हुई थी. बाइक भी वॉश की हुई नहीं है, आज वॉश करनी थी, बट आज मैं निकल रहा हूँ टू द सिटी ऑफ ड्रीम्स, दैट इज़ मुंबई. आई एम टू मुंबई, आई एम कमिंग. ये मेरी दूसरी सोलो ट्रिप होगी. पहली सोलो ट्रिप थी पंचेत, जो कि आपने वीडियो देखा होगा अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो. अगर नहीं देखा है तो यू कैन स्टिल गो एंड वॉच इट फ्रॉम द आई बटन, बट आफ्टर दिस वीडियो स्टे टिल द एंड, पूरा वीडियो देखिए. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो डू सब्सक्राइब. मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सुबह सुबह भी इस वजह से गया, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स टू सेट द परफेक्ट एंगल फॉर दिस, क्योंकि लास्ट राइड थी मेरी एडवेंचर 390 पर, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है. कम ऑन, पॉट होल्स. और ठंडी के दिन शुरू हो चुके हैं, दिस इज़ राइडिंग सीज़न, बेस्ट सीज़न टू राइड. और काफ़ी मज़ा आता है यार. सबसे बेस्ट पार्ट ये ही होता है कि आप जब राइडिंग गियर पहनते हो, ऑलरेडी मौसम बहुत ठंडा होता है और यूजुअली जब राइडिंग गियर पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब आपको ठंडी हवा लगती है ना, हाँ, अगर आप राइड करते हो तो आपको पता होगा मैं किस हवा की बात कर रहा हूँ. मैं 790 पर जाना ज़्यादा पसंद करता, बट अभी 790 के लिए थोड़े से दिन है, दिवाली के पहले आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कम होम. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से जल्दी आ जाए सो यू कैन हैव फन ऑन इट. और काफ़ी लोग 390 पे व्लॉग्स मिस कर रहे थे, यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम पर भी देख रहा हूँ, सो उसी का रीज़न है मैंने कहा कि लेट्स डू इट यार, व्हाई नॉट. नमस्कार. हे सरळ पकडून ठेवा, इथे टच नका होऊ देऊ. यस, ते असं ठेवून ठेवून आहे ना, इथे कलर जातो बघा. अँड फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैं कहाँ पर गिरा था एग्जैक्टली वो स्पॉट भी बताता हूँ. ओ और मैं हम उधर से ही जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली उधर से नहीं, तो थोड़ा सा साइड से जाऊँगा, बट मैं आपको दिखाऊँगा कि एग्जैक्टली कैसा है वो पॉट होल. और मुझे इतना ज़्यादा लगने का कारण भी समझ जाएगा आपको. सी दिस, और मैं यहाँ पर आके गिरा था, बाइक यहाँ पर थी. क्रेजी थिंग्स हैपेंड, सब कुछ याद आ रहा है. और मैं लोनावला काफ़ी दिनों से नहीं गया हूँ, ऑलमोस्ट फोर मंथ्स हो चुके होंगे मुझे जाकर. ओ, ओ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया हूँ, उसको कर देते हैं अभी. लाइव लोकेशन भेजना रह गया है, जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ सोलो ट्रिप, और ऐसे भी मैं करता हूँ.
लोकेशन शेयर लाइव लोकेशन फॉर 8 hours डन। वीकडे पर इतनी ट्रैफिक, ओ माय गॉड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी ट्रैफिक, मुझे लगा कम होगी। एनीवेज आपको पता है मैं सोच रहा था कि मतलब जब 390 एडवेंचर लेकर मैं गया था ट्रेल पर, ट्रेल से आने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, सो मैं पॉट होल्स देखकर मुझे इतना बहुत बहुत मूड चला गया था मेरा। मैंने ये तक सोच लिया था कि अब स्ट्रीट राइडिंग छोड़ देते हैं एंड लेट्स मूव टू ओनली ट्रैक, बट देन वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया। स्ट्रीट नहीं छोड़ सकते यार, मतलब अगर स्ट्रीट छोड़ दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं, बिकॉज ट्रैक राइडिंग इन इंडिया इज नॉट वर्थ, मतलब बहुत ज़्यादा ही महंगा है यार। अगर आप देखने जाओ ना, सो इज इट नेक्स्ट लेवल मनी। एक ट्रैक डे करने के लिए आपको ऑलमोस्ट सब कुछ खर्चा मिला के, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, ट्रैक चार्जेस, एवरीथिंग, आपको 2 lakhs to 2.5 lakhs पड़ता है। सो उतना तो भाई वी आर नॉट अंबानीज, ओके, वी आर नॉट अंबानीज, ओके। सो इसलिए मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है। मैंने सोचा कि स्ट्रीट करेंगे, ट्रैक भी करेंगे, ऐसा नहीं है करेंगे नहीं, बट देन सेफली करेंगे पहले, मतलब और ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके करेंगे। सो दैट इज हाउ इट इज एंड आई हैव रीच्ड लोनावला। देखते ही देखते इन 35 मिनट्स आई गेस घाट शुरू हो चुका है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। रुकते नहीं है यहाँ पर, बट जस्ट लुक एट दिस। एक्सप्रेसवे के ऊपर से रुक लेते, चलो। सो लॉकडाउन में ये ब्रिज पर काफ़ी भीड़ होती थी, मतलब जब लॉकडाउन 1 चल रहा था तो उस टाइम पे तभी यहाँ पर फाइन मार रहे थे सबको। सो कलमबोली सर्कल आ चुका है, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग सर्कल, इससे बड़ा सर्कल मैंने आज तक देखा नहीं है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक सर्कुलेट होती है कि बस वहाँ गुजरात से आता है, ऊपर एक्सप्रेस वे है, इट इज़ अ वेरी बिग सर्कल, मतलब अमेजिंग। एंड दिस इज महात्मा गांधी मिशन इंस्टीट्यूट, MGM, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। एंड अभी जाते हैं खारघर, दिस इज 3 Monkey Point। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं खारघर क्यों जा रहा हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर मैं यहाँ पर रहता था, एक साल मैंने यहाँ पर कॉलेज किया है, यहाँ पर मैंने नेरुल में। तो मैं मेरे फ्रेंड्स को मिलने जा रहा हूँ, उनको पता नहीं है मैं बाइक पे आ रहा हूँ, क्योंकि क्रैश के बाद किसी को भी लग नहीं रहा है कि मैं वापस बाइक चलाऊँगा। सो दिस इज़ द उत्सव चौक ऑफ खारघर, जाना बाबा, बहुत फेमस है, बहुत सारे मूवीज़ में भी दिखाते हैं ये, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड ह्यूज।
खारघर में चौक्स बड़े ह्यूज है एंड इट इज़ अ वेरी प्लान्ड काइंड ऑफ सिटी। मैं जब रह रहा था तब मुझे इतना पसंद नहीं आया मैं, क्योंकि पहले 2 साल पुणे में रहा, फिर 1 साल मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो पुणे की बहुत याद आती थी। सो देन मैंने पुणे जाना ही सही समझा। सो आई एम इन खारघर सेक्टर 6। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ पर रहता था एंड मेरे दोस्तों से भी मिलवाऊँगा। सो रीजेंसी गार्डन, दिस इज़ द सोसाइटी। अभी मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ तो अंदर जाने नहीं देंगे। मेरा एक दोस्त वहाँ पर रहता है 19th फ्लोर पर, और मैं इस बिल्डिंग के 19th फ्लोर पर रहता था।